Friends, in today's session, as you know very well, we have started with salary income chapter. Today we are going to discuss a small part of salary. जैसे ग्रेजुटी एक पार्ट है सैलरी का, वैसे ही एक और रिटायरमेंट फंड है जिसे कहते हैं पेंशन फंड। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे पहले, और इसी के बेसिस पे आगे हम सम्स की वैल्यूएशन करेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं पेंशन क्या है, बिना टेंशन समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज पेंशन। सो पे अटेंशन, लेट अस सी व्हाट इज पेंशन। पेंशन क्या है सर? पेंशन इज टैक्सेबल एज अ सैलरी, यानी एक सैलरी का हिस्सा है और इस पे भी टैक्स लगता है। इट इज अ पेमेंट ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ परसेंटेज, कुछ सैलरी के कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा यू समझ लीजिए सैलरी का, आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट यू गेट दिस बेनिफिट। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड रिगार्डिंग पेंशन टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पेंशन उसके हिसाब से है, तो वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहला प्रकार है अनकमुटेड पेंशन। अनकमुटेड पेंशन, अनकमुटेड पेंशन को हम कह सकते हैं मंथली पेंशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंथली पेंशन। सुना होगा कि हर महीने इनको पेंशन मिलती है, पेंशन से इनका घर चलता है, वो मंथली पेंशन। उसका दूसरा नाम है अनकमुटेड पेंशन। पेंशन रिसीव्ड एवरी मंथ इज टैक्सेबल एज अ सैलरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। जो भी पेंशन मिला जा रहा है सैलरी के तौर पे, सैलरी का हिस्सा है, और वो उसको सैलरी का हिस्सा माना जाएगा, और कोई भी प्रकार का कर्मचारी हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सबके लिए टैक्सेबल। मंथली पेंशन मिला, आपने टैक्स पे करना है उस अमाउंट के ऊपर, बात खत्म। दो को छोड़ के, दो एक्सेप्शन, छोट छाट है, दो ऐसे व्यक्तियां हैं जिनको इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, उनके लिए फुल्ली एक्सेप्शन। पेंशन रिसीव्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज। इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर कर्मचारी को पेंशन मिलता है या उसके फैमिली मेंबर को मिल रहा है या फैमिली को मिल रहा है, उनको टैक्स नहीं पे करना है, फुल्ली एग्जम्प्टेड, टैक्स फ्री। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इज ऑल्सो फुल्ली एग्जम्प्टेड। आर्म्ड फोर्स यानी कि आर्मी में जो बंदे हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं आर्मी के अंदर, उनकी फैमिली मेंबर्स को इसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। फैमिली पेंशन के तौर पे जो भी फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, उनको फुल्ली एग्जम्प्शन यहाँ दिया गया है, राहत दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अनकमुटेड, जो मंथली पेंशन है, उसके बाद चलते हैं लमसम पेंशन पे, यानी कि दूसरा नाम है कमुटेड पेंशन। तो लमसम पेंशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, कमुटेड पेंशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। पेंशन रिसीव्ड इन लमसम इज फुल्ली टैक्स फ्री फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी एक अच्छी पोस्ट पे हैं, सरकारी नौकरी जैसा समझ लीजिए, तो आपने एक रुपया टैक्स पे नहीं करना है, फुल्ली टैक्स फ्री है। अगर आपने पेंशन रिसीव भी किए तो आपने टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप अच्छी पोस्ट पर सरकारी मुनाजिम है तो आपको इसका फायदा मिलता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अगर नॉन गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हुई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या हाल है देख लेते हैं। कमुटेड पेंशन रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। एग्जम्प्शन मिलेगा लेकिन फुल एग्जम्प्शन नहीं मिलेगा, पार्शियल एग्जम्प्शन मिलता है। थोड़ी राहत मिल रही है, पूरी राहत नहीं मिल रही है, देखते हैं कितनी राहत मिल रही है और कैसी राहत मिल रही है। तो दो पॉइंट है इसके अंदर। पेंशन के साथ जुड़ा हुआ है ग्रेजुटी, यहाँ समझ लीजिए ग्रेजुटी के साथ जुड़ा हुआ है पेंशन, दोनों जुड़े हुए हैं। कमुटेड पेंशन अगर मिल रहा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इफ ही ऑल्सो रिसीव्स ग्रेजुटी, पेंशन मिल रहा है साथ साथ में ग्रेजुटी मिल रही है, अगर ये सिचुएशन दो दो लड्डू मिल रहे हैं, देन कमुटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन इज टैक्स फ्री। तब आपको 1/3 वैल्यू एग्जम्पशन में मिलेगा, यानी 100 रुपए में से 33 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 67 रुपीज पे टैक्स लगेगा, 1/3 का एग्जम्पशन मिलता है अगर ग्रेजुटी और पेंशन दोनों मिलता है तो। लेकिन इफ ही डज नॉट, यानी ही मींस टैक्स पेयर एसएससी, इफ ही डज नॉट रिसीव ग्रेजुटी द कमुटेड वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द पेंशन इज टैक्स पेयर। अगर ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेंशन दे रही है कंपनी, तो आपने आधी रकम जो है टैक्स फ्री मिलेगी और आधी रकम पे लगेगा टैक्स, यानी 100 रुपए में से 50 रुपए टैक्स फ्री हो जाएंगे और 50 रुपए जो आपको बाकी मिले हुए हैं उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा।
यहाँ की पॉइंट्स सिर्फ एक ही की पॉइंट है, सैलरी। यहाँ पे क्या होगा सर, सैलरी इज नथिंग बट बेसिक प्लस डीए आपको ध्यान में लेना है। डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला अगर है तो वो भी ध्यान में लेना है, जिसे हमें अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि प्रोविडेंट फंड शुड ऑल्सो बी टेकन एट 70% एज अ डीए, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसको भी हम डीए की वैल्यूएशन में ध्यान में लेते हैं। तो ये